हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आपने पिछला 8 लेक्चर कैलेंडर का नहीं देखा है तो ये सभी 8 लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, वहाँ पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर में भी हम लोगों ने दो केस देखा था। एक केस देखा था जब एक ही मंथ में एक डेट का डे देता था और दूसरे डेट का डे पूछता था। केस नंबर टू देखे थे जब अलग अलग महीने का एक डेट का डे देता था और दूसरे महीने का डेट का डे पूछता था। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ईयर अलग अलग होगा और एक ईयर के डेट का डे पता होगा और दूसरे ईयर का डेट का आपको डे पूछेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको लिख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई बोले कि 22 जनवरी 2023 को यदि संडे होगा तो बताएं कि 10 अप्रैल 2024 को क्या होगा। तो देखिए, दो कंडीशन कर सकते हैं। एक तो आप पूरा निकाल सकते हैं और डेट 22 जनवरी से 10 अप्रैल तक ले जाइए, 2023 में जितने भी मंथ हो उसका निकाल लीजिए, फिर 2024 में जितने भी मंथ है उसका निकाल लीजिए और 10 अप्रैल तक ले निकाल लीजिए, सभी और डेट को जोड़ के 7 से डिवाइड कर लीजिए। दूसरा क्या कर लेते हैं कि हम इसको भी हम लोग सेम डेट बना लेते हैं। सेम डेट बना लेने से क्या हो जाएगा कि एक साल बन जाएगा या दो साल बन जाएगा। जैसे यहाँ 2023 है, 2024 है, तो 23 से 24 एक साल कब कहते हैं जब दोनों जगह डेट सही सेम रहता। जैसे दोनों जगह 22 जनवरी रहता या दोनों जगह क्या रहता आपको अप्रैल रहता। तो हम लोग क्या कर लेते हैं सर कि अप्रैल ही बना लेते हैं दोनों को। क्या बना लेते हैं? अप्रैल, क्योंकि जनवरी से अप्रैल जाना आसान है या अप्रैल से पीछे जाइएगा जनवरी तो थोड़ा सा क्या होगा कैलकुलेटिव हो सकता है, गलत होने की संभावना हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ के चलिए। ये जो 22 जनवरी देख रहे हैं आप, इसको बना लीजिए आप 10 अप्रैल तक ले, देख लीजिए कि कितना और डेज होता है। फिर 10 अप्रैल 2023 से 10 अप्रैल 2024 तक में एक साल होगा और एक साल का और डेट निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अगर बात कीजिएगा जनवरी में, पहला बार में हम डिटेल में बना लेते हैं तो 22 जनवरी को तो दिया हुआ था, मतलब बचा कितना जनवरी में महीना में डेट, तो कहिएगा सर 31 में से 22 जाएगा तो डे बचेगा आपको यहाँ पे 9। तो जनवरी का 9 दिन, फरवरी बताइए तो फरवरी बात कीजिएगा तो 2023 में ही अभी बढ़ रहे हैं तो फरवरी 28 का होगा। मार्च बोलिए तो कहिएगा सर मार्च जो होगा 31 का होगा। अप्रैल बोलिए तो सर अप्रैल तो पूरे पूरे नहीं लेना हमको, कहाँ तक ले बना लेना है 10 तक ले ताकि एक साल बन जाए आसानी से। अब यहाँ तक में और डेज निकाल लीजिए। अब दूसरा बताइए, अगर बात कीजिएगा अब दोनों जगह 10 अप्रैल ही बन गया, क्या बन गया दोनों जगह 10 अप्रैल बन गया, 10 अप्रैल 2023 बन गया और नीचे में कितना दे रहा था 10 अप्रैल 2024 तो कितना साल होगा, तो कहिएगा सर पूरे पूरे एक साल हो जाएगा। और डेज का बात कीजिए कितना होगा, अगर जनरल ईयर होगा सर 365 दिन होगा तब तो एक होगा, अगर 366 दिन वाला होगा तब तो उस केस में क्या हो जाएगा दो हो जाएगा। कहिएगा सर जब 23 से 24 तक के 10 अप्रैल से 10 अप्रैल आइएगा तो 2024 का फरवरी 29 होकर क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि 2024 क्या लीप ईयर है। तो देखिए 366 दिन कब होगा, जब 29 फरवरी क्रॉस करेगा। तो जहां भी 29 फरवरी क्रॉस करेगा आपको तो वहां पे आपको टोटल डेज कितना हो जाएगा, तो उस केस में आपको टोटल डेज आपको 366 हो जाएगा अगर एक साल का बात करेगा। तो आपको देखना है कि अप्रैल 10 2023 से लेकर अप्रैल 10 2024 के बीच में कोई लीप ईयर भी पड़ रहा है क्या जो फरवरी 29 का है, तो कहिएगा सर हाँ पड़ रहा है। जैसे 10 अप्रैल से 2023 के दिसंबर तक ले जाइए तो दिसंबर खत्म हो जाएगा, तो 2023 का दिसंबर जैसे ही खत्म हुआ अब 2024 का जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर जनवरी होगा 2024 का फरवरी होगा, तो फरवरी में क्या आएगा तो फरवरी में 29 दिन आएगा। क्यों? क्योंकि सर 2024 है सर, और चूंकि 10 अप्रैल ले जाना है तो 29 फरवरी होकर ही जाएंगे, तो और डेज यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहिएगा और डेज यहाँ पे सर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बताइए और डेज कैसे निकालते हैं, तो कहिएगा सर सबको 7 से भाग दे के जोड़ लीजिए, तो 9 में 7 से भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा शेष, तो कहिएगा सर 2 बचेगा। 28 में दिए तो कुछ भी नहीं बचेगा रिमाइंडर शेष 0 हो जाएगा। 31 वाले में तो 3 बचेगा,
और 10 वाले में 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही बचेगा। यहाँ बात कीजिएगा 3 2 5, 5 3 8, अब टोटल कितना हो गया तो कहिएगा सर 8 इधर लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में लिखे हुए हैं, 8 और 2 कितना हो गया 10। अभी भी सर 7 से ज़्यादा है तो फिर दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि जानते हैं और डेज कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो डिवाइड किए तो कितना आ गया रिमाइंडर, तो कहिएगा सर रिमाइंडर 3 आ गया। तो रिमाइंडर 3 आ गया तो बताइए क्या होगा, तो सर कहिएगा 2023 से 24 जा रहे हैं तो हम लोग बढ़ रहे हैं कैलेंडर में, आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब और डेज क्या होगा संडे में प्लस होगा कि माइनस होगा, तो कहिएगा सर प्लस हो जाएगा। तो कितना प्लस हो जाएगा, तो और डेज प्लस होता है सर उसमें ऐड होता है, संडे में कितना और डेज प्लस हो जाएगा, तो कहिएगा सर 3 दिन। तो संडे के बाद 3 दिन कौन सा आएगा, तो संडे के बाद 3 दिन हो जाएगा सर आपका वेडनेसडे हो जाएगा। तो रेफरेंस कैलेंडर में कुछ नहीं करना है, पहले तो दोनों का डेट जो है यहाँ देखिए जनवरी है 22 यहाँ 10 है, तो दोनों को सेम बनाइए। सेम बनाने का मतलब है कि दोनों सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ईयर कैलकुलेट करने में क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगा। तो सर जनवरी से अप्रैल जाना आसान है सर, और अप्रैल से जनवरी जाने में पीछे में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग सीधा वाला काम करते हैं सर, जनवरी को बना लेते हैं अप्रैल, जैसे 10 अप्रैल बना लिए तो 10 अप्रैल 2023 से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक का बात कीजिएगा तो पूरे एक साल अब हो गया। इस एक साल में चाहे तो 365 दिन हो गया या 366 दिन, डिपेंड करता है कि फरवरी 29 आया कि नहीं, तो सर 2024 का फरवरी 29 क्रॉस करके ही गया होगा तभी तो 10 अप्रैल तक पहुंचा। तो और डेज कितना हो जाएगा, तो सर और डेज 2 हो जाएगा। तो आपका देख रहे होंगे यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है, 7 से सबको डिवाइड किए 9 28 31 और 10, तो टोटल कितना आ गया 8, 8 और 2 10, तो चूंकि अभी भी 7 से ज़्यादा है तो डिवाइड दोबारा किए तो कितना आ गया 3। तो चूंकि कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं 2023 से 2024 आगे बढ़ रहे हैं मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो संडे में 3 जोड़ दिए तो क्या बन गया आपका वेडनेसडे हो गया। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि 20 मार्च 2024 को अगर वेडनेसडे है, 20 मार्च 2024 को अगर वेडनेसडे है तो 15 जून 2025 को क्या होगा। तो सर मार्च को बार भी बना लेते हम लोग जून, क्योंकि जून से मार्च पीछे जाने में थोड़ा सा गलती होने का चांसेस ज़्यादा है, तो सर यहाँ मार्च से जून बनाना आसान है, मतलब दोनों को क्या बना लीजिए, तो सर 15 बना लीजिए 15 जून। तो पहले मार्च वाले में बताइए कितना होगा, 15 जून तक ले जाइए तो मार्च में कितना होगा, तो सर 20 मार्च ले दिया हुआ तो मतलब मार्च का कितना दिन बढ़ेगा, तो कहिएगा सर मार्च में ये तो 11 दिन कवर करेगा क्योंकि 20 मार्च को आपको वेडनेसडे दिया हुआ है, तो 20 मार्च से 15 जून बनाना है आपको, तो बाकी दिन कितना बच रहा मार्च का, तो कहिएगा 11 दिन। मार्च के बाद अप्रैल का बात कीजिएगा तो अप्रैल तो पूरे पूरे बीतेगा सर, तो वो 30 हो जाएगा। मई बात कीजिएगा तो मई भी सर पूरे पूरे बीतेगा 31 हो जाएगा, और जून तो हमको सर 15 तक ले लेना तो लिख लिए। और डेज का बात कीजिएगा तो 7 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 11 में 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर या शेष कितना बचेगा, तो कहिएगा सर एक बार में लगेगा तो 4 बचेगा। 30 में दीजिएगा डिवाइड कीजिएगा 7 से तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। 31 में करिएगा 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर या शेष कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, तो 24 28 हुआ था 3 बचा। 15 में कीजिएगा तो 7 को 2 बार में भाग लगेगा तो कितना बच जाएगा, तो 14 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा। अगर यहाँ बात कीजिएगा तो 4 2 6 6 3 9 9 1 10 हो गया, कितना आ गया 10 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि एक साल कितना बच रहा है, तो कहिएगा सर अब तो दोनों 15 जून बन गया, तो 15 जून 2024 से लेके अगर बात कीजिएगा 15 जून 2025 तक ले तो कितना साल है, तो 24 से 25 पूरे पूरे अब एक साल बन गया सर, क्योंकि दोनों का डेट सेम है। ये एक ईयर में फरवरी 29 आएगा कि नहीं, तो फरवरी 29 तब आएगा जब सर लीप रहा होगा, तो देख रहे होंगे कि 2024 का आपको तो लीप तो है, तो क्या 15 जून के बाद कभी भी फरवरी का 29 आएगा, तो कहिएगा नहीं सर 2024 में फरवरी का 29 तब आता सर जब हमारा डेट फरवरी के 29 के पहले का रहता तब आता। तो सर ये 15 जून के बाद तो हमको सर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
फरवरी 29 तो आएगा ही नहीं सर जी, तो 2025 में तो फरवरी 29 उसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि 2025 तो लीप ईयर ही है नहीं, 2024 है लीप ईयर, लेकिन कभी भी इसके में फरवरी 29 आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम तो स्टार्ट कर रहे हैं 15 जून से, तो 15 जून के बाद तो फिर आएगा सर, एक महीना का बात कीजिएगा तो 15 जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2024 का दिसंबर खत्म हो जाएगा, तब 2025 का स्टार्ट हुआ, तो 2025 का जनवरी फरवरी, तो 2025 का फरवरी जो होगा वो लीप ईयर तो होगा नहीं, क्योंकि 2025 क्या लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी 29 का नहीं होगा, कितना का होगा, 28 का होगा। तो जब कभी भी फरवरी 29 क्रॉस करेगा तभी ऑड डेज एक साल में आपका कितना होगा, 2 होगा, अदरवाइज आपका कितना होगा, ऑड डेज 1 होगा। यहाँ हम एक ही लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ऑड डेज 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फरवरी 29 तो क्रॉस ही नहीं किया कहीं। अब बताइए टोटल कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 10 आपका लेफ्ट साइड में था और राइट साइड में आपको ईयर के कारण 1 आया, तो 10 × 1 = 11 हो गया, 11 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो कहिएगा सर रिमाइंडर बचेगा आपको 4। अब चूंकि 2024 से 2025 का बात कीजिएगा तो कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं मतलब प्लस होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में ऑड होगा, तो वेडनेसडे में कितना प्लस हो जाएगा, तो सर वेडनेसडे में 4 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑड डेज कितना है, 4, तो वेडनेसडे अगर तीसरा दिन होता है तो 4 दिन और जोड़ दीजिएगा तो 7वां दिन जो होता है सप्ताह का वो क्या होता है, तो 7वां दिन वो होता है सर संडे होता है, क्योंकि वेडनेसडे तो 3 होता है, तो 3 में 4 जोड़िएगा तो 7, 7वां दिन कौन हो जाएगा, संडे हो जाएगा। आसानी से बना लिया आप इसको, तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि 12 फरवरी 2024 को, 12 फरवरी 2024 को मंडे है, तो बताना है आपको कि 31 मार्च 2025 को क्या होगा। तो देखिए फरवरी से मार्च बनाना आसान है सर, सीधे बढ़ना आपको आसान है, मार्च से फरवरी बढ़ाने में क्या होगा कि बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि फिर आपको दिक्कत होगा, चेंज करना पड़ेगा प्रोसेस को, तो हम लोग सीधा ही चलते हैं जो आसानी हो, तो फरवरी से मार्च बनाना आसान है सर, तो बना लेते हैं, तो मार्च बनाने के लिए दोनों को 31 बनाना पड़ेगा सर, 31 मार्च, तो बना लीजिए, तो फरवरी को स्टार्ट कीजिए, मार्च तक ले जाइए 31 तक ले, तो फरवरी 12 को हो गया सर, तो बचा कितना फरवरी में, तो ध्यान दीजिए फरवरी में बचा कितना, 29 में से सब्ट्रैक्ट करें कि 28 में से, तो कहिएगा सर ये तो 2024 जो है सर ये तो लीप ईयर है, तो फरवरी तो 29 का रहा होगा, तो 12 फरवरी 2024 का डेट अगर मंडे है तो 2024 का जिक्र जब कर रहे हैं तो फरवरी उतनी उसमें कितना का होगा, 29 का होगा, तब तो 29 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 29 में से 12 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा। अब बात कीजिए मार्च का, तो मार्च तो आपको टोटल 31 तक ले लेना है, क्यों, क्योंकि सर डेट भी आपका 31 तक का है, तो पूरे पूरे कह रहा लेने के लिए तो ले लीजिए। अब बात कीजिए ईयर का, तो दोनों जगह आपको देख रहे होंगे कि 31 मार्च बन गया 2024 और नीचे में भी अब बन गया 31 मार्च 2025, तो साल बात कीजिए कितना हुआ, तो सर 24 से 25 एक साल पूरे पूरे कंप्लीट हो गया, क्या इस एक साल में आपको फरवरी 29 का आएगा, तो कहिएगा सर फरवरी 29 का नहीं आएगा, तो सर 2024 में तो फरवरी 29 आता है, तो फरवरी 29 ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, यहाँ पे बात कीजिएगा, अगर यहाँ पे बात कीजिएगा तो मार्च 31 के बाद आपको तो अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, उसमें तो फरवरी 29 कभी भी आएगा नहीं, 31 मार्च का डेट जो है सर उसके बाद तो कभी भी फरवरी आएगा नहीं, उसके पीछे रहता होगा, तो चूंकि ऑलरेडी हम लोग काउंट यहाँ पे कर ही लिए 29 वाला को, तो दोबारा फिर काउंट मत कर लीजिएगा, तो ये 31 मार्च 2024 के बाद 31 मार्च 2025 तक जाना है, तो फिर से 31 मार्च 2024 के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 2024 खत्म हो गया, फिर 2025 का जनवरी, फरवरी, मार्च 31 तक का, तो कहीं भी बीच में आया आपको फरवरी का 29 है, तो कहिए सर फरवरी का 29 तो नहीं आया, क्योंकि 2024 का फरवरी का मंथ आ ही नहीं रहा है, यहाँ कितना होगा, तो कहिएगा सर यहाँ पे तो दिन सर 365 दिन होगा, और 365 दिन का मतलब कितना ऑड डेज हो जाएगा, तो कहिएगा सर एक ऑड डेज होगा, कितना होगा, 1 ऑड होगा, यहाँ बात कीजिए कितना होगा, तो 7 से डिवाइड कीजिए,
17 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3। 31 को 7 से डिवाइड कीजिए तो 4 बार में लगेगा तो 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 3 कितना हो गया, 6। अब बात कीजिए टोटल सर, तो सर टोटल लेफ्ट साइड में बात कीजिएगा तो 6 था, राइट साइड में बात कीजिएगा ईयर के लिए तो 1 था, तो 6 कितना हो गया, 7। 7/7 क्योंकि 7 के बराबर या 7 से ज़्यादा आता है तो फिर दोबारा डिवाइड करते, 7/7 कितना रिमाइंडर हुआ, कहिएगा सर रिमाइंडर आपका 0 हो गया। रिमाइंडर 0 का मतलब आपका डे जो होगा चेंज नहीं करेगा, तो कैलेंडर में क्या है 2024 से 25 आगे बढ़ रहे हैं मतलब प्लस करना पड़ेगा, तो मंडे में क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो मंडे में कितना प्लस करना पड़ेगा, और डे कर लीजिए, और डेज, और डेज कितना है तो आपका 0 है, तो मंडे में 0 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, मंडे ही रहेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 16 अप्रैल 2025 को अगर वेडनेसडे है तो पूछ रहा आपको 11 जुलाई 2026 को बताइए। तो अप्रैल से जुलाई जाना बेटर है कि जुलाई से अप्रैल, तो सर सीधे जाना अच्छा है तो अप्रैल से जुलाई जाइए, क्योंकि कैलेंडर में 2025 से 26 बढ़ रहा है तो और डेज क्या हो जाएगा सर, और डेज ऐड होके आएगा यहाँ, अब और डेज ही निकालना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, पहले अप्रैल को बना लीजिए जुलाई, तो कितना जुलाई तक ले लेना है अप्रैल को, तो सर 11 जुलाई तक ले जाना है, जाइए। तो 2025 के अप्रैल में बचा कितना, तो सर 2025 के अप्रैल में 16 तक ले हो गया सर, अप्रैल 30 का होता है तो 30 - 16 14 ही दिन तो क्रॉस करेगा अप्रैल का सर, फिर अप्रैल के बाद क्या होता है मई, मई तो पूरे क्रॉस करेगा 31 का 31 दिन, मई के बाद क्या होता है तो जून, जून 30 का 30 पूरे क्रॉस करेगा, जुलाई, जुलाई चूंकि हम लोग को निकालना था 11 तक ले लिखे। अब यहाँ पर और डेढ़ का बात कीजिए तो 14 को डिवाइड कीजिएगा 7 से तो 0 बचेगा, 31 को कीजिएगा तो 7 से तो 3 बचेगा, 30 को कीजिएगा तो आपको 2 बचेगा, और 11 को कीजिएगा 7 से डिवाइड तो 4 बचेगा, 4 रिमाइंडर या शेष बचेगा। अभी कितना हो गया, तो कहिएगा सर 4 × 3 = 7 = 9 हो गया। अब बात कीजिए ईयर वाला के केस में कितना आ रहा है, तो कहिएगा सर दोनों जगह तो 11 जुलाई बन गया, एक हो गया 11 जुलाई 2025 हो गया और एक हो गया 11 जुलाई 2026 हो गया। कितने ईयर आ रहा है, तो कहिएगा सर 2025 से 2026 एक साल आ रहा है सर, क्या इस एक साल में लीप ईयर आएगा कि नहीं आएगा, तो कहिएगा सर लीप ईयर तो एक भी नहीं आ रहा है सर, फरवरी 29 से तो एक भी नहीं आ रहा, ना 25 लीप ईयर है सर, ना 26 लीप ईयर है, अगर रहता तो चेक करते हम लोग कि तो फरवरी का 29 क्रॉस कर रहा है कि नहीं, तो सर यहाँ तो एक भी लीप ईयर नहीं है, तो एकदम आसानी से बन जाएगा क्योंकि 365 दिन होगा, जनरल ईयर है, 365 दिन में और डेज कितना होता है, और डेज आपका होता है एक सर, क्योंकि 7 से डिवाइड कीजिएगा 365 को तो कितना बचेगा, एक बचेगा। अब बात कीजिए टोटल का, तो 9 हो गया आपको सर लेफ्ट साइड में और एक हो गया आपको राइट साइड में, तो 9 × 1 = 10, अभी भी 7 से ज़्यादा है तो फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो कहिएगा सर रिमाइंडर आपका बच जाएगा 3 सर, तो क्या है वेडनेसडे में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कैलेंडर में आगे बढ़ रहे, तो वेडनेसडे में 3 ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, वेडनेसडे आपका तीसरा दिन होता है, तीसरा दिन में 3 दिन और ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, छठा दिन, छठा दिन कौन सा होता है, तो छठा दिन आपका होता है सर सैटरडे होता है, कौन सा होता है सैटरडे, या वेडनेसडे के बाद 3 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे भी कर सकते हैं, या जानते हैं कि सप्ताह का तीसरा दिन जो होता है वो वेडनेसडे होता है सर, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, छठा दिन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 17 जनवरी 2024 को अगर वेडनेसडे है तो आपसे पूछ रहा है 15 मई 2026 को बताइए क्या होगा। तो जनवरी से मई बनाना आसान है सर, जनवरी से मई बना लेते कितना तक ले, तो 15 मई बना लेते सर जनवरी को, क्योंकि सर जनवरी से मई जाना आसान है तो दोनों को 15 15 बना लेते हैं, तो सर जनवरी का बिताना पड़ेगा तो कितना बच रहा है जनवरी में, तो सर जनवरी में 31 होता है, 17 तक ले आ ही गया है तो बचा कितना, तो कहिएगा सर 14 दिन जनवरी में। अगर बात कीजिएगा फरवरी का, तो फरवरी क्या है, तो यहाँ बात कीजिएगा तो लीप ईयर है 2024 का, 29 दिन का होगा, कितने दिनों का होगा 29 दिन का। मार्च बात कीजिएगा तो सर मार्च होगा 31 का, अप्रैल बात कीजिएगा तो होगा सर 30 का,
अब मई पूरे पूरे तो लेना नहीं है, कहाँ तक ले लेना है, तक कहिएगा सब 15 तक। अब बात कीजिए ईयर का, तो सर दोनों क्या हो गया, तो दोनों बन गया 15 मई, एक बन गया 15 मई 2024 और नीचे में ऑलरेडी दिया ही हुआ है 15 मई 2026। इसमें कितने साल होंगे, तो कहिएगा सर 2 साल होंगे। कितने साल होंगे, 2 साल। अगर जनरल ईयर होता तो हर एक साल में एक एक लीप कितना होता ऑड डेज, तो आपका 2 साल में 2 गो होता। अब चेक करना पड़ेगा कि फरवरी 29 का आ रहा है कि नहीं, जाएगा फरवरी 29 का आएगा, उसके कारण आपका क्या हो जाएगा, ऑड डेज बढ़ जाएगा। तो सर 2 गो तो कंप्लीट हो जाएगा सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर कि 2 साल है तो 2 गो तो होगा ही होगा ऑड डेज प्लस। अब देखना है कि फरवरी 29 आ रहा है कि नहीं, तो सर मई का जो 2024 के बाद आप लीजिएगा उसमें तो फरवरी 29 होगा नहीं, 2025 वाला में फरवरी 29 होगा नहीं क्योंकि लीप ही ईयर नहीं है, और 2026 तो आपका सर लीप ही ईयर नहीं है तो फरवरी 29 आएगा नहीं। तो 2024 में आता फरवरी 29, क्योंकि 15 मई के बाद में ले रहे हैं हम लोग, तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काउंट कर लिए तो फिर दोबारा यहाँ मत काउंट करने लगिएगा। तो 15 मई के बाद क्या हो जाएगा, 16 मई 17 मई, फिर मई के बाद आपका आ जाएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ कहीं भी आपको फरवरी ही नजर आया ही नहीं। इसका मतलब 2024 का 29 फरवरी क्रॉस करेगा ही नहीं, 2025 तो लीप ईयर नहीं है इसका मतलब उसमें तो होगा ही नहीं, और 2026 भी लीप ईयर नहीं है, तो 15 मई तक पहुंचने में आपको 29 फरवरी आएगा ही नहीं। तो 2+ कितना लिख दिया, 0 लिख लिया सर। क्यों लिख लिया 0, क्योंकि लीप ईयर मेरा या फरवरी 29 एक भी नहीं है, फरवरी 29 एक भी नहीं है, तो टोटल यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। अब चलिए टोटल निकाल लेते हैं, तो टोटल निकालने के पहले ऑड डेज निकाल लीजिए आप। तो सर यहाँ पर ऑड डेज कितना हो जाएगा, तो 14 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 29 में डिवाइड कीजिएगा 1 हो जाएगा, 31 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बचेगा, 30 में कीजिएगा तो 2 बचेगा, और 15 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 बचेगा। तो टोटल कितना हो गया यहाँ है ऑड डेज, तो 3 1 4 4 2 6 6 1 7। अब बात कीजिए आपको टोटल का, बात कीजिए कितना हो जाएगा, तो सर लेफ्ट साइड में 7 राइट साइड में 2, तो 7 2 कितना हो गया 9, अभी भी 7 से ज्यादा है तो दोबारा भाग दिए, बच जाएगा रिमाइंडर आपका 2, रिमाइंडर 2 आपको ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2024 से 2026 कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वेडनेसडे में ऐड करना पड़ेगा। वेडनेसडे में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो वेडनेसडे में सर आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। वेडनेसडे अगर आपका तीसरा दिन है तो 3 में 2 ऐड कीजिएगा, तो 5वां दिन जो होगा वो फ्राइडे हो जाएगा, या वेडनेसडे के बाद दूसरा दिन जो होगा पहला दिन हो जाएगा वेडनेसडे के बाद आपको थर्सडे, दूसरा दिन हो जाएगा आपका फ्राइडे हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 15 मार्च 15 मार्च 2024 को अगर फ्राइडे है तो बताना है आपको 21 जून 2027 को क्या होगा, तो क्या होगा, क्योंकि कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं तो 24 से 27 आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब फ्राइडे में ऑड डेट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, मार्च से जून जाना आसान है, जून से मार्च जाने में आपको क्या होगा, गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा है, तो सर मार्च से जून जाना आसान है तो मार्च को जून बना लेते हैं। कितना जून तक ले बनाना पड़ेगा सर, 21 जून तक ले बनाना पड़ेगा। तो मार्च में बच कितना रहा है, तो सर मार्च 15 के बाद 21 जून तक ले कितना दिन होगा उसको निकाल लेते हैं। तो सर मार्च तो 31 का होता है, 31 में से 15 आ गया है तो बचा कितना आपके पास, तो कहिएगा सर 16 होगा। मार्च के बाद बात कीजिएगा अप्रैल, अप्रैल पूरे पूरे 30 हो जाएगा। अप्रैल के बाद अगर बात कीजिएगा मई, मई पूरे 31 बीत जाएगा। जून, जून तो सर आपको 21 तक ले लेना है, लिख लिए। अब बात कर लीजिए और डेज का ताकि आसानी हो, तो 16 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में लगेगा, बचेगा रिमाइंडर 2, 30 में डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा 2, 31 में कीजिएगा तो बचेगा 3, और 21 में कीजिएगा तो बचेगा 0। तो कितना हो गया टोटल, 2 2 4 4 3 7 हो गया। अब हम लोग ईयर का बात कर लेते हैं, तो दोनों जगह क्या बन गया, जून में 21 बन गया, 21 जून 2024 से 21 जून 2027। तो बात कीजिएगा तो 24 से 27 3 ईयर दिखाई दे रहा है,
तो सर अगर तीनों जनरल ईयर होता तो तीन वो तो ऑड डेज होता ही, क्योंकि एक जनरल ईयर में एक ऑड डेज होता है, प्लस अगर लीप ईयर जैगो आता उसके कारण ऑड डेज हम लोग प्लस करके लिखेंगे। तो 2024 का लीप ईयर तो है सर, तो फरवरी 29 आ रहा है, तो सर 21 जून के बाद, तो सर जून के बाद तो जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, कहीं भी फरवरी 29 2024 का आ नहीं रहा है। 25 25 तो सर जनरल ईयर उसमें तो आएगा नहीं, 26 तो 26 भी नहीं आएगा सर, 27 के 21 जून तक तो सर फरवरी तो आएगा सर, लेकिन 28 का आएगा, क्योंकि 2027 का जो होता है वो क्या होता है जनरल ईयर होता है, तो कहीं भी आपको सर लीप ईयर नहीं आ रहा है। तो कितना हो जाएगा सर, 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3। और बात कीजिएगा 2024 का, तो 2024 का आपको फरवरी 29 का जरूरत भी नहीं था, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा मार्च से स्टार्ट हो रहा था। तो टोटल बात कर लीजिए अब, तो कितना हो जाएगा, 7 आपका लेफ्ट साइड में, 3 आपका राइट साइड में, तो कितना हो गया, तो 7 3 10 हो गया। तो सर 10 जब हो जाता है तो फिर 7 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किए तो कितना हो गया, 10/7 हो जाएगा, तो 10/7 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। तो आप क्या करना है, फ्राइडे में 3 दिन ऐड कर देना है, तो फ्राइडे में 3 दिन ऐड कर लीजिए, कितना दिन हो जाएगा आपका, उस दिन मंडे हो जाएगा, उस दिन कौन सा हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, फ्राइडे के बाद 3 दिन, मतलब सैटरडे संडे मंडे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 16 मई 2021 को संडे है, तो आपको बताना है 14 जून 2025 को क्या होगा। तो सर कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं, 21 से 25 मतलब ऐड करना पड़ेगा संडे में और डेज को। मई से जून जाना आसान है कि जून से मई, तो मई से जून सर, क्योंकि सीधा जाना आसान है, तो इसका मतलब मई को जून बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों जगह क्या बनाना पड़ेगा, 14 जून, एक तो ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरे को बनाना है 16 मई से 14 जून तक। अब बात कीजिएगा मई का, तो सर मई में कितना दिन होता था, मई में 31 दिन होता है, जिसमें से आपका 16 को ले लिए हम लोग, तो बचा कितना, तो कहिएगा सर 15। मई के बाद आपका होता है जून, तो जून का कितना हो गया, तो कहिएगा सर 14, तो 14 जून तक ले, तो आगे और डेट निकाल लीजिए, तो 7 से डिवाइड कीजिएगा 15 में, तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 1, 14 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कहिएगा सर 0, और डेज कितना हो गया, 1 आ गया। अब बात कीजिए ईयर का, तो बात कीजिएगा ईयर का, तो सर 14 जून 2021 से 14 जून 2025 तक कै साल हो जाएगा, तो पूरे पूरे सर 4 साल। इन 4 साल में तो सर एक साल में एक और डेज होता है, तो 4 साल में 4 और डेज, प्लस लीप ईयर होगा उतना ही और डेज ऐड करेंगे। तो सर 21 जून में 29 फरवरी आएगा नहीं, क्योंकि सर ऐसे भी ये ईयर जो है जून के बाद जो चल रहा है, तो जुलाई आएगा और उसमें फरवरी का आने का चांस नहीं है। अगर आता भी 2021 का फरवरी आता भी, तो वो लीप ईयर होता नहीं, तो 28 दिन का रहता, क्योंकि फरवरी क्रॉस कर ही नहीं रहा है सर, जून से जा रहा है, तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 2021 कंप्लीट हो गया, अब 2022 में इंटर कर जाता, तो 2022 भी आपका सर लीप ईयर नहीं है, फरवरी 29 आएगा नहीं। 2023, तो 2023 का जब सर पार करेगा तो उसमें भी आपका लीप ईयर नहीं है, मतलब फरवरी 28 का हो। 2024, तो हाँ सर 21 से 25 के बीच में जो 2024 होगा, 2024 जो होता है लीप ईयर होता है, लीप ईयर होने के कारण फरवरी 29 आएगा, मतलब एक दिन आपको ऐड एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो किस कारण होगा, ये सर लीप ईयर 2024 के कारण। अब कितना हो गया, तो यहां पे हो गया सर 4 1 5। अब बात कीजिएगा टोटल, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6। 7 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 से डिवाइड कब करते हैं, जब हमारा ऑड डेज आपका 7 या 7 से ज्यादा आता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, संडे से 6 दिन आगे बढ़िए, संडे के बाद 6 दिन जो होता है
वो होता है आपका सैटरडे होता है। कौन सा दिन होता है? सैटरडे। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 16 मई, सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं, खाली आपका मंथ चेंज कर लेते हैं। 16 मई 2021 को संडे है, तो 14 जनवरी 2025 को क्या होगा? तो बना लेते दोनों को सेम। तो मई से जनवरी आगे जब बढ़ेंगे तो सर आसान होगा। जिसका मन हुआ कि सर मई से हम जनवरी तक ले जाएं, तो ठीक है, दोनों जगह क्या बनाना पड़ेगा? तो 14 जनवरी। तो मई 2021 का बचा कितना? तो सर मई में बचेगा सर 31 में से 16 जाएगा, तो बचेगा आपको 15। मई के बाद अगर बात कीजिएगा जून में, तो जून पूरे पूरे 30। जुलाई बात कीजिएगा 31। अगस्त बात कीजिएगा 31। सितंबर बात कीजिएगा तो 30। अक्टूबर बात कीजिएगा तो 31। नवंबर बात कीजिएगा आपको 30, और दिसंबर बात कीजिएगा आपको 31। अब आप जनवरी में पहुंच गए हैं। जनवरी कहाँ तक ले? तो सर जनवरी 14 तक ले। अब जैसे ही आप आ गए तो देखिए, यहाँ दिसंबर तक ले, जैसे ही आप 31 दिसंबर लाए तो 2021 खत्म हो गया। अब इंटर कर गए हम लोग के इसमें तो 2022। तो ये 14 जनवरी जो आ रहा है 2022 का आ रहा है। कितना का आ रहा है? 2022 का आ रहा है। और डेट निकाल लीजिए, तो 7 से डिवाइड कीजिए, तो 15 को डिवाइड कीजिएगा एक बचेगा, 30 को कीजिएगा तो दो बचेगा, 31 को कीजिएगा तो तीन बचेगा, 31 को कीजिएगा तो तीन बचेगा, 30 को कीजिएगा तो दो बचेगा, 31 को कीजिएगा तो तीन बचेगा, 30 को कीजिएगा तो दो बचेगा, 31 को कीजिएगा तो तीन बचेगा, 14 को कीजिएगा तो जीरो बचेगा। तो कितना हो गया टोटल जोड़ लीजिए, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, कितना हो गया? 19। अब दोबारा इसको भाग से दे सकते हैं, नहीं तो इसको टोटल जोड़ के 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। अब बात कीजिए कि सर दोनों जगह सर आपका बन गया 14 जनवरी, बन गया दोनों जगह क्या बन गया? 14 जनवरी। लेकिन ये जो बना 14 जनवरी, ये 2021 का नहीं बना, ये किसका बन गया? 2022 का। और नीचे में दिया हुआ है ऑलरेडी 14 जनवरी 2025। कितने साल हो गया? तो कहिएगा सर यहां से यहां सर 3 साल हो गया, तो 3 गो तो ऑड डेज होगा ही होगा प्लस। अब देखना फरवरी 29 का आएगा कि नहीं सर, तो सर 22 वाला तो लीप ईयर नहीं है, फरवरी गुजर भी रहा है लेकिन लीप ईयर नहीं है, तो 28 का रहेगा। 2023, तो 2023 तो लीप ईयर नहीं है, फरवरी 28 का रहेगा। और 2024, तो 2024 का बात कीजिएगा, तो सर 2024 का बात कीजिएगा तो वो तो लीप ईयर है सर। तो 14 जनवरी के बाद जैसे ही 2024 में पार करेगा, आप 29 फरवरी भी क्रॉस करेगा, मतलब 2024 का 29 फरवरी क्रॉस करेगा, क्योंकि हमको जाना है कहाँ तक ले? तो 14 जनवरी 2025 तक जाना है। तो उसमें 2024 का तो आएगा पूरे को पूरे साल, और जिसमें आएगा फरवरी 29 भी आएगा, मतलब 3 1 कितना लिख दिया? 4। ये 1 किसके लिए आया? तो 2024 के फरवरी के लिए आया। किसके लिए आया? फरवरी 29 के लिए आया। तो कितना हो गया? 3 1 4 हो गया। अब टोटल आपका कर लीजिए, तो ऐड कर लीजिए, ऐड किए तो कितना हो गया? 19 प्लस 4, 7 से डिवाइड कर लेते क्योंकि 7 से ज्यादा है, 23 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा कितना? तो कहिएगा सर 2 ऐड होगा, बचेगा 2 रिमाइंडर, तो 2 ऐड होगा। 21 बचा 2 रिमाइंडर, क्योंकि कैलेंडर में 21 से 25 आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐड करना पड़ेगा। तो संडे में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। संडे में कितना ऐड करना पड़ेगा? तो कहिएगा सर संडे में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। संडे में 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ट्यूजडे हो जाएगा। ध्यान देना है आपको, ये जो बन रहा है डेट, यहाँ जैसे लिखे हम यहाँ पे, ये जो 14 जनवरी लिखे, जैसे इससे बना रहे थे तो मई से बनाए जनवरी तक ले लिखे, तो जो 14 जनवरी हो गया, तो 2000 यहाँ तक बात कीजिएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ तक ले बात कीजिएगा, ये आपका क्या है? 2021 है। लेकिन 31 दिसंबर के बाद आप जो भी लिख रहे हैं
2022 में इंटर कर गया, तो ये जो जनवरी आ रहा है 14, ये किसका आ रहा है, तो 2022 का, इसलिए 2022 लिखे। और 2024 का लीप ईयर जो है पूरे पूरे क्रॉस करेगा, जिसमें फरवरी का 29 भी क्रॉस करेगा, इसलिए एक ऐड हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 अक्टूबर 2025 को यदि थर्सडे है, तो आपको बताना है 21 अप्रैल 2030। तो देखिए दो तरीका से बना सकते हैं, चाहे अप्रैल को अक्टूबर के बराबर कर लीजिए या अक्टूबर को अप्रैल के बराबर कर लीजिए, जो भी कीजिए याद रखिएगा उसमें अगर फरवरी 29 आ रहा होगा तो उसको काउंट कीजिएगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं काउंट कीजिएगा, आप जैसे भी काउंट कीजिए इसको। तो हम जैसे अक्टूबर को बना लिए अप्रैल, क्या बना लिए अप्रैल, तो 16 अक्टूबर को बना लिया अप्रैल, 21 अप्रैल तक ले जाना पड़ेगा, मतलब अक्टूबर के बाद 2025 के बाद, अक्टूबर के बाद तो नवंबर दिसंबर आएगा, तो 2026 का 21 अप्रैल आएगा, किसका आएगा, 2026 का आएगा, अगर अक्टूबर से अप्रैल बनाइएगा तो लिख लीजिए अक्टूबर का कितना दिन बच रहा है, तो कहिएगा सर अक्टूबर 31 का होता है, 31 में से 16 जाएगा तो बचेगा आपको कितना, 15 होगा। नवंबर बात कीजिए तो नवंबर पूरे पूरे सर आपका 30 होता है, दिसंबर बात कीजिए तो पूरे पूरे 31 होता है, जनवरी बात कीजिए, अब ये जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये स्टार्ट हो रहा है अब 2025 खत्म हो गया यहाँ तक ले, 31 दिसंबर तक ले, अब स्टार्ट हो रहा है ये 2026, क्योंकि ये हम अक्टूबर जो लिए 2025 का, नवंबर भी 2025 का, दिसंबर भी 2025 का, क्योंकि अक्टूबर को हम बना रहे हैं अप्रैल, 16 अक्टूबर के बाद आगे बढ़िए, तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, अब तो जनवरी हो जाएगा तो 2026 का आएगा, तो जनवरी में कितना होता है, तो सर जनवरी में भी 31 होता है सर, फरवरी तो सर 2026 का फरवरी जो होता है वो होता है सर आपका 28 का होगा, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, मार्च तो मार्च 31 का होगा सर, और अप्रैल, अप्रैल तो सर 21 तक ले लेना ही था तो बना लीजिए। अब और डेज का बात कीजिए तो 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 15 में 7 से डिवाइड किए तो कितना बचा, 1, 30 में किए तो 2 बचा, 31 में किए तो 3 बचा, 31 में किए तो 3 बचा, 28 में किए तो 0 बचा, 31 में किए तो 3 बचा, 21 में किए तो फिर 0 बचा, कितना हो गया, तो 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12, कितना हो जाएगा टोटल, 12 यहाँ। अब बात कीजिए ईयर का, तो सर ये जो 21 अप्रैल हुआ ये किसका ईयर था, तो सर ये तो 2026 वाला लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं 21 अप्रैल 2026, और ऑलरेडी दिया हुआ 21 अप्रैल 2030, कितना साल होगा 21 से 21, तो 2026 से 2030 चार साल हो जाएगा। अगर बात कीजिए थे तो 4 साल रहता तो 4 को और डेज होता, प्लस अगर लीप ईयर होगा तो इंक्रीज करेंगे उतना ही से, तो 2026 लीप ईयर नहीं है, और चूंकि उसमें फरवरी आ भी नहीं रहा, 2027 नहीं है, 2028 है, 2028 तो सर पूरे पूरे साल बीतेगा, और 2028 का सर फरवरी भी आएगा 29 का, एक ऐड किया, ये एक ऐड किया किसके लिए, तो 2028 के लिए फरवरी आएगा उसमें, तो 2028 का फरवरी ऐड किए, इसलिए फरवरी कितने का होगा, 29 का हो जाएगा, 2029 पूरे साल बीत रहा है, पूरे साल बीत रहा है लेकिन आपका लीप ईयर तो है नहीं, इसलिए फरवरी तो आपका 28 का रहेगा, 2030 फरवरी तो बीत रहा है सर 2030, क्योंकि 21 अप्रैल 2030 तक जाना है, लेकिन वो भी क्या है, जनरल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, तो केवल एक ही लीप ईयर आएगा सर 2026 से 2030 के बीच में, वो कौन सा लीप ईयर होगा, तो 2028 आएगा, जिसमें फरवरी कितना का होगा, 29 का, एक बढ़ जाएगा, कितना हो गया यहाँ, 4 1 5 हो गया, टोटल बात कीजिएगा तो 12 और 5 17 हो गया, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 17 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा, रिमाइंडर जो आता है उसी को ऐड करते हैं, वही ऑड डेज होता है, क्योंकि कैलेंडर में 25 से 30 आगे बढ़ रहे हैं, कैलेंडर में आगे बढ़िएगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो थर्सडे में 3 दिन ऐड कीजिएगा, तो थर्सडे के 3 दिन के बाद आपका जो होता है वो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा।
अगला दिन हो जाएगा थर्सडे के बाद फ्राइडे, फिर अगला दिन सैटरडे, फिर अगला दिन संडे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले इसको हम लोग दूसरे वाले से भी बना के देख लेते हैं, जिसमें आपको अगर लग रहा होगा कि सर अगर हम लोग अप्रैल को अक्टूबर मना लेते तो क्या होता, कोई दिक्कत होता? कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अप्रैल से अक्टूबर जब बनाते हैं आप, जैसे अप्रैल से अक्टूबर जब बनाते हैं आप, तो पीछे बढ़ना पड़ता, क्या करना पड़ता? पीछे बढ़ना पड़ता। आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं, क्यों तो नहीं बढ़ सकते हैं? क्योंकि सर 21 अप्रैल के बाद आगे बढ़िएगा तो आपको तो पूछ ही नहीं रहा, तो आपको पीछे ही बढ़ना पड़ेगा। मतलब अप्रैल के बाद आपको पीछे बढ़िएगा तो मार्च, फिर फरवरी, फिर जनवरी। इसका मतलब आप इंटर कीजिएगा 2030 के बाद, इंटर कीजिएगा पीछे बढ़िएगा तो 2029 के अक्टूबर में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? 2029 के अक्टूबर में। और पीछे जाना क्या हो जाएगा आपके लिए? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप हमेशा वही प्रोसेस को फॉलो कीजिए जिसमें आपको आगे बढ़ने में आसान हो, क्योंकि यहाँ पे सर 2025 के बाद आप आगे बढ़ के अक्टूबर से अप्रैल जा सकते थे, लेकिन अप्रैल वाला में चूंकि आगे बढ़ने का स्कोप नहीं था, क्योंकि 21 अप्रैल 2030 का पूछ रहा है, तो आगे कैसे बढ़िएगा? इसके बाद बढ़िएगा तो आपका गड़बड़ा जाएगा पूरा सिक्वेंस। क्यों गड़बड़ा जाएगा? क्योंकि सर 21 अप्रैल के बाद तो बढ़ने के लिए कहिए नहीं रहा, क्योंकि 21 अप्रैल 2030 का पूछ रहा था। तो दो अगर आगे बढ़ते तो अब तो जो बनता तो 16 अक्टूबर बनता, तो वो तो 2030 का बनता, और 16 अक्टूबर 2030 का तो आपको लेना ही नहीं था, क्योंकि 21 अप्रैल तक ले आपको काउंट करना था। तो फिर क्या करना पड़ता? पीछे बढ़ना पड़ता सर। तो सर 2029 में जाएंगे तब ना हमारा आपको अक्टूबर जो होगा क्या होगा, होगा 16 का होगा। तो पीछे जाने में क्या होता है, कितने बार डिफिकल्टी होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें आपको आगे बढ़ना हो। जैसे यहाँ यहाँ प्रोसेस देख रहे हैं कि अक्टूबर से अप्रैल आसानी से जा सकते हैं, और ईयर भी आपके लिए पास पर्याप्त है, क्योंकि 2025 से 2030 तक का दिया हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अक्टूबर के बाद नवम्बर दिसंबर, तो 2025 खत्म हो जाएगा, तो 2026 का अप्रैल आएगा, और ऑलरेडी 2030 तक दिया हुआ है, तो हमको कोई उतना निकालने में डिफिकल्टी होगा नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 24 जुलाई 2024 को यदि वेडनेसडे है तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए 10 मार्च 2032। तो सर 10 मार्च को 24 जुलाई बनाइएगा तो डिफिकल्टी होगा, क्योंकि 2031 में जाना पड़ेगा, तो हमको क्या होगा सर, मार्च से पीछे जाइएगा तो दिक्कत होगा। सर जुलाई से मार्च आसानी से बढ़ सकते हैं सर, जुलाई का आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 2024 खत्म हो गया, अब 2025 में इंटर कर जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, आसानी से बढ़ जाएंगे, तो बढ़ जाइए। तो बात कीजिए दो जुलाई का, तो जुलाई में कितना दिन होता, तो 31, 31 में से 24 आ गया है, तो बचा कितना दिन? 7 दिन। जुलाई के बाद अगस्त का बात कीजिए तो अगस्त 31 का होता है, पूरे पूरे बीतेगा। सितंबर, सितंबर 30 का होता है। अक्टूबर, अक्टूबर सर आपका 31 का होता है। नवंबर, नवंबर आपका 30 का होता है, पूरे पूरे बीतेगा। दिसंबर, दिसंबर आपका 31 का होता है। जनवरी, अब देखिए जैसे ही दिसंबर बीता तो 2024 का कैलेंडर खत्म हो गया, अब हम लोग किस में इंटर कर गया, 31 दिसंबर 2024 का कैलेंडर खत्म हो गया, मतलब इंटर कर गया 2025। तो जनवरी तो आपका 31 का होगा। फरवरी, तो 2025 का फरवरी जो होता है वो 28 का होगा, क्योंकि लीप ईयर होता नहीं है। मार्च, मार्च तो हमको 10 से तक ले जाना था तो लिख लिए। अब बात कर लीजिए और डेज का, 7 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 0, 31 में कीजिएगा तो 7 चौक 28 बचेगा 3, 30 में कीजिएगा तो 2, 31 में कीजिएगा तो 3, 30 में कीजिएगा तो 2, 31 में कीजिएगा 3, 31 में कीजिएगा तो 3, 28 में कीजिएगा तो 0, और 10 में कीजिएगा तो बचेगा 3। अब सबको जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, कितना हो जाएगा? 19। अब बात कीजिए ईयर का, कि ये जो 10 मार्च आ रहा था ये किसका आ रहा था? 2025 का। तो 10 मार्च 2025 से कहाँ लेंगे? 10 मार्च 2032 तक। 25 से 32 कितना साल होता है? तो कहिएगा सर 7 साल होता है। इन 7 सालों में अगर बात कीजिएगा जनरल ईयर का,
रहता सब कोई तो कितना होता, 7 का 7 होता। प्लस और डे बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सर लीप ईयर आएगा। अब बात कीजिए 25 के बाद 26, 26 है नहीं, 27 लीप ईयर है नहीं, 28, 28 लीप ईयर है सर, 28 पूरे पूरे बीतेगा, एक आया। 28 के बाद 29 नहीं है, 30 नहीं है, 31 नहीं है, और 32, 32 का बात कीजिएगा तो सर 10 मार्च तक ले तो फरवरी भी आएगा, तो फरवरी 29 क्रॉस करके ही तो 10 मार्च 2032 तक ले पहुंचा, तो सर दो गो होगा, एक तो आपका फरवरी 2032 के लिए होगा और एक होगा फरवरी 2028 के लिए। उसमें क्या होगा, दोनों में लीप ईयर के कारण और डेज कितना हो जाएगा, तो एक बढ़ जाएगा, तो एक एक बढ़ा दिए, 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। अब टोटल जोड़ लीजिए तो टोटल बात का बात कीजिएगा तो 19 प्लस 9 कितना हो गया, तो 28, 28 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 मतलब डे आपका चेंज करेगा नहीं। क्या था उस दिन, तो सर वेडनेस डे था, प्लस करेंगे क्योंकि कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं 24 से 32 प्लस किए, तो वेडनेस डे में प्लस कीजिए और डेज को, वेडनेसडे में प्लस की ऑड डेज को, ऑड डेज कितना आपके पास, 0, वेडनेसडे में 0 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, वेडनेसडे ही आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 28 जनवरी 2024 को संडे है, 31 जुलाई 2036 को क्या होगा, तो देखिए 36 से पीछे जाइएगा तो जुलाई तो जनवरी बन जाएगा, लेकिन जुलाई से पीछे जाने में आपको दिक्कत होगा, तो जनवरी से जुलाई बना लीजिए, आसान होगा सर क्योंकि आपके पास साल भी मौजूद है, और जनवरी से जुलाई जाइएगा तो सेम ईयर में बन जाएगा सर। तो बताइए जनवरी कितना हो जाएगा, तो 31 में से 28 जाएगा, बच जाएगा 3। फरवरी बताइए, तो सर 2024 का फरवरी जो होता है वो तो 29 का होगा। मार्च बात कीजिए तो मार्च तो 31 का होता है, लिखना नहीं, अब और डेज लिखिए, जैसे 29 का होगा तो और डेज 1, 28 का होगा तो और डेज 0, 31 का होगा तो और डेज आपका 3, 30 का होगा तो और डेज आपका 2 होगा, ऐसी लिखना, जैसे मार्च का तो डायरेक्ट ऑड डेज लिखिए, तो समझाने के लिए हमने लिखा था आपको। अप्रैल तो डायरेक्ट 30 का होता है सर, पूरे पूरे बीत रहा है तो 2 लिख देना चाहिए, तो ऑड डेज 30 मत लिखिए, फिर 7 से डिवाइड मत कीजिए। मार्च अप्रैल मई, तो मई बात कीजिएगा पूरे पूरे 31, डायरेक्ट जिसमें 31 होगा उसमें 3 आएगा पूरे पूरे। मई के बाद आपको जून बात कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। जुलाई तो सर जुलाई 31 तक ले लेना था, ले लिए। तो देखिए जनवरी से जुलाई तक ये कौन सा जुलाई है, तो सर 31 जुलाई 2024 ही में रह रहे हैं हम लोग, 2024 से पार नहीं कर रहे हैं। अब बात कीजिए और डेट का, तो 3 में तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब 3 का 3 बच जाएगा, 29 में तो लगेगा, 7 चौका 28 एक बचेगा, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3। अब जोड़ लीजिए 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17 हो जाएगा। अब बात कीजिए ईयर वाला, 31 जुलाई 2024 और 31 जुलाई 2036, कितने साल है, कहिएगा सर 12 साल है, 12 साल रहेगा, तो 12 को तो और डेज होगा ही होगा, प्लस लीप ईयर के कारण जितना आएगा उसको ऐड कीजिए। क्या 2024 लीप ईयर है, हाँ लीप ईयर है सर। क्या फरवरी 29 क्रॉस कर रहा है, नहीं सर, 31 जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, तो 2024 का कभी भी 29 फरवरी क्रॉस नहीं किया, तो 2024 वाला तो यूज हुआ नहीं। अब इसके बाद लीप ईयर कब आएगा, तो सर 2028 में आएगा, तो 2028 पूरे पूरे यूज हो रहा है, क्योंकि सर 31 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2036 तक ले लिख रहे हैं, तो 2028 तो पूरे पूरे यूज हो रहा है सर, एक और डेज आ गया 2028 के कारण।
फिर बताइए 2032 पार कर जाएगा पूरे पूरे, एक और डेज और आ जाएगा, और 2036, 2036 क्या 2036 का 29 फरवरी पार करेगा? कहां सर, 31 जुलाई तक जाने के लिए 29 फरवरी क्रॉस करके जाएगा, तो 2036 भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहां, तो 12 3 15 हो जाएगा टोटल। बात कीजिए तो 17 प्लस 15, क्योंकि सर जोड़ने पे ये आ गया 32, तो 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 से ज्यादा है, रिमाइंडर हो जाएगा सर आपका 4, और डेज आपका जब भी 4 होता है तो कैलेंडर में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्योंकि 24 से 36 आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ऐड होगा सर। संडे में क्या होगा, ऐड होगा, 24 से 36 आगे बढ़ रहे हैं, तो संडे में ऐड कीजिए, संडे से 4 दिन आगे जाइएगा, आपका दिन जो हो जाएगा वो दिन हो जाएगा आपका थर्सडे हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं बोल रहा आपको सत्रह मई 2035 को थर्सडे है, तो बताना है आपको कि 12 जून 2031 को क्या होगा। चलिए मई से जून बना लेते हैं सर, क्योंकि 25 से क्या जो मई है उसके बाद आपको आ जाएगा सर जून आ जाएगा, तो मई से तो जून सर बनाना आसान है। तो मई का कितना दिन हो जाएगा, तो सर मई हो जाएगा 31 में से 17 जाएगा, तो बच जाएगा सर 14। जून, जून तो सर 12 तक ले लेना है, हो गया। अब बन गया सर 12 जून 2025 बन गया, और ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 12 जून 2031। कितना साल है, यहां से यहां सर 6 साल है, तो 6 साल है तो 6 और डेज तो होगा ही होगा, प्लस लीप ईयर के कारण जितना आएगा ऐड होगा, तो सर लीप ईयर होगा सर 2028 आएगा, जो पूरे पूरे बीतेगा जिसमें 29 फरवरी भी क्रॉस करेगा, तो 2028 होगा। 25 से 31 के बीच में कौन सा लीप ईयर आ रहा है, तो सर केवल एक ही आ रहा है सर, 28 आ रहा है। कितना हो गया यहाँ, 6 7 हो गया। यहाँ पे बात कीजिए और डेट, तो 14 में 7 से डिवाइड किए तो 0 हो गया, 12 में 7 से डिवाइड किए तो 5 हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ 5। टोटल बात कीजिएगा तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में फिर से 7 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 7 से ज़्यादा है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो सर रिमाइंडर 5 हो जाएगा। कैलेंडर में चूंकि 25 से 31 आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो थर्सडे में ऐड करना पड़ेगा, तो थर्सडे में ऐड कीजिएगा आप 5 दिन, तो कौन सा दिन हो जाएगा, तो सर थर्सडे से 5 दिन आगे जाइएगा तो 3 दिन हो जाएगा आपका संडे, और फिर 2 दिन आगे बढ़े तो ट्यूजडे हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा, ट्यूजडे जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब उल्टा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि बोल रहा है कि 17 मई 2035 को थर्सडे है यदि, तो बोल रहा है आपको कि 12 जून 2031 को क्या होगा, उल्टा पूछ रहा है, मतलब कैलेंडर में किधर जा रहा है, तो सर 35 से 31 पीछे जा रहा है, तो पीछे जाने वाले के कंडीशन में बताया था आपको ईयर में क्या करते हैं, या मंथ वाले में बताए थे, जब भी पीछे जाता था आपको क्या करते थे, तो सर आप कैलेंडर को पहले सही करते थे, हमेशा क्या लिखते हैं, तो सर पहले छोटा वाला लिखते हैं तब ईयर बड़ा वाला लिखते हैं, तो सही कीजिए, तो सही कीजिएगा सर, तो 12 जून, इसको सही कर लेते हैं, 12 जून 2031 को यहाँ कौन सा डेट था, तो नहीं पता था तो वाट लिख लिए, और दे रहा आपको 17 मई 2035, इस दिन तो दिया हुआ है, कौन सा दिन है, थर्सडे। अब ये सीधा हो गया सर, आगे बढ़ रहा है 31 से 35 आगे बढ़ रहा है, मतलब और डेट जो भी होगा वाट में ऐड होके आएगा।
अब हम लोग क्या करने लेंगे, चूंकि सर 2035 के बाद तो मंथ आपका बच नहीं रहा है आगे बढ़ने के लिए, डेट आपका आगे बच नहीं रहा है, तो सर जून वाला को मई बना सकते हैं? हाँ सर, तो जून वाले को मई कैसे बनाइएगा सर? तो 31 वाले में तो बनेगा नहीं सर, जून के बाद जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, तो 2032 में जब जाएंगे तब बनेगा। तो स्टार्ट हो जाइए 2031 के जून से। तो जून आ गया आपका, 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 18। जून के बाद आपको बात कीजिएगा जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब बीत गया ये, एक बीत गया 2031, बीत गया 2031 बीता। अब स्टार्ट हो गया क्या, जनवरी जैसे लिखिएगा ये 2032 का लिख रहे हैं अब आप, तो जनवरी पूरे पूरे बीतेगा कितना हो जाएगा? जनवरी बीतेगा पूरे पूरे तो सर यहाँ कहिएगा 31 का होगा, तो लिख लेते 31। फरवरी तो 2032 का फरवरी क्या होगा? लीप ईयर होगा, 29 लिख लिए। मार्च, मार्च में तो कोई दिक्कत है नहीं है, 31 होगा। अप्रैल, अप्रैल आपका 30 होगा। और मई, तो सर मई हमको तो 17 तक जाना था, लिख लिए। ये जो मई लिख रहे हैं ये कौन सा मई है? तो 17 मई 2032। ये ऑलरेडी हम जान रहे थे कि क्योंकि जून के आगे बढ़िएगा तो मई आएगा नहीं, तो अगले साल में ही आएगा। अब और डेज का काउंट कीजिए आप यहां से, जब कभी भी आपको कैलेंडर में आगे वर्ष का आपको दिन दिया रहे और पीछे वर्ष का पूछेगा, या जब कभी भी कैलेंडर में आपको आगे का मंथ दे और पीछे का मंथ के बारे में पूछा है, तो कैलेंडर को सही कर लीजिए। सही का मतलब सबसे पहले छोटा वाला ईयर लिखिए और उसके बाद बड़ा ईयर लिखिए। सेम केस मंथ वाले में सबसे पहले छोटा मंथ लिखिए, पिछले क्लास में बताए थे, और उसके बाद बड़ा मंथ लिखिए। और डेज का बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो सर 18 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 बच जाएगा, 31 में तो 3, 31 में तो 3, 30 में तो आपका 2, 31 में आपका 3, 30 में आपका 2, 31 में आपका 3, 31 में आपका 3, 29 में सचो का 28 एक बचेगा, 31 में आपका 3, 30 में आपका 2, 17 में, 17 में 7 से भाग दिए तो बचा कितना? 3। अब सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 3 20 20 3 23 23 1 24 24 3 27 27 2 29 29 3 32 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
अब ईयर का बात कीजिए तो सर कहिएगा, ईयर जो बात कीजिएगा अब ईयर में, तो सर अब हम लोग पहुंच गए हैं 17 मई 2032 को, और नीचे में कितना ईयर दे रहा है, तो 17 मई 2035। कई साल है तो कहिएगा सर 3 साल है। क्या इन 3 साल में लीप ईयर आ रहा है, तो सर 2032 तो आ रहा है, लेकिन मई के बाद जून आएगा, जुलाई आएगा, फरवरी 29 नहीं आएगा, तो 2032 का फरवरी 29 नहीं आएगा, क्योंकि 17 मई 2032 से स्टार्ट करेंगे, तो मई के बाद आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे आएगा, उसमें आपका फरवरी 29 आएगा नहीं, तो लीप ईयर कितना होगा तो 0 हो जाएगा। और डेज कितना हो जाएगा सर, 3 और प्लस 0, क्योंकि लीप ईयर 0 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ईयर के कारण 3 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 32 और 3 35, 7 से ज्यादा है, तो फिर डिवाइड करेंगे कई बार में लग जाएगा, तो सर 5 बार में लग जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो सर रिमाइंडर आपको 0 बचेगा, आपको तो रिमाइंडर से मतलब है। तो बताइए क्या था, आप यहां ध्यान दीजिए, यहां पे जब सही किए थे यहां पे वाट दिया हुआ, तो वाट में ऑड डेज जोड़ना पड़ेगा, तो वाट में ऑड डेज जोड़ दिए, ऑड डेज कितना जोड़े 0, तो नेक्स्ट वाला आपका डे क्या बन गया, थर्सडे बन गया। तो वाट का मान निकालना था, वाट इज इक्वल टू थर्सडे माइनस 0, थर्सडे में से जब 0 दिन घटाइएगा आपका दिन क्या रह जाएगा, थर्सडे ही रह जाएगा। तो ये क्या था, उल्टा क्वेश्चन था आपको, क्या किया आगे का ईयर दे दिया, पीछे का पूछेगा, आप कैलेंडर को सही कर लीजिए, फिर उसके बाद बना लीजिए।
और वहां से 8 का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 9 अगस्त 2024 को फ्राइडे है, तो पूछ रहा है आपको 12 फरवरी 2020 मतलब ईयर 2024 वाला दिया हुआ, 2020 का पूछा मतलब पीछे वाला पूछ रहा है, तो कैलेंडर को क्या करेंगे सही कर लीजिए ताकि आप कैलकुलेशन करने में क्या हो आसानी हो। तो हम लोग पहले छोटा वाला लिख लेते हैं, यह 12 फरवरी 2020 लिखिए। इस दिन कौन था कुछ भी नहीं पता था, सब तो बात लिखिए। बाद वाला को तो दे रहा है तो 9 अगस्त 2024। इस दिन कौन था, इस दिन सर फ्राइडे था। तो बताइए अगस्त से फरवरी जाइएगा तो सर अगस्त से फरवरी जाइएगा आप बना सकते हैं, लेकिन अगस्त से पीछे जाने में जुलाई आएगा फिर जून आएगा, 2024 में आ जाएगा फरवरी 12, लेकिन पीछे जाने में दिक्कत हो जाएगा। सर फरवरी से अगस्त जाने में आसानी होगा, तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा जो छोटा ईयर रहता है उसी के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करते हैं। तो सर 12 फरवरी को 9 अगस्त मना लेते हैं तो फरवरी कितना हो जाएगा, तो सर 2020 का फरवरी तो 29 का रहेगा, तो 29 में से घटाना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, 29 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना, तो 29 में से 12 जाएगा तो सर आपको बच जाएगा यहाँ पे 17। मार्च, तो मार्च में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 31 का होता है। अप्रैल, तो सर अप्रैल सर आपका 30 का होता है। मई, तो मई आपका 31 का होता है। जून, तो जून आपका 30 का होता है। जुलाई, तो जुलाई आपका 31 का होता है। और अगस्त पूरे पूरे नहीं लेना है क्योंकि 9 अगस्त तक बनाना था, तो अगस्त ले लिए हम लोग 9। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ऑड डेज निकाल लिए, तो 17 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो बच जाएगा 3, 31 में कीजिएगा तो बच जाएगा आपको 3, 30 में कीजिएगा तो बच जाएगा 2, 31 में कीजिएगा तो बच जाएगा 3, 30 में 7 से डिवाइड कीजिएगा रिमाइंडर या शेष बच जाएगा आपका 2, 31 में दीजिएगा तो बच जाएगा आपका 3, 9 में दीजिएगा तो बच जाएगा आपको 2। तो 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 2 18 कितना रहा है 18। अब ईयर का भी निकाल लेते हैं, ये जो अगस्त निकाल रहे थे तो चूंकि हम लोग अगले साल में तो जा नहीं रहे, फरवरी से अगस्त सेम ही रह रहा है, ये कितना अगस्त था, तो 9 अगस्त 2020 ही था क्योंकि हम लोग स्टार्ट किया किए थे 2020 के फरवरी से, तो अगस्त मिल गया आसानी से, तो 2020 था। अब हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेते हैं आसानी से ईयर का भी, तो 9 अगस्त 2020 से 9 अगस्त 2024 तक कितने साल हैं, तो कहिएगा सर 4 साल हैं। अगर बात कीजिएगा 4 साल में और डेट तो 4 गो होगा, प्लस लीप ईयर देखिए तो 2020 का लीप ईयर जो हो है उसमें फरवरी 29 आ रहा है कि नहीं, तो सर अगस्त से जब हम आगे बढ़ेंगे 2020 में तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कहाँ आया 29, तो 2020 का तो आएगा नहीं सर, तो 20 के बाद अब लीप ईयर 2024 बच रहा है, तो 9 अगस्त 2024 तक जाने में क्या फरवरी 29 आएगा, तो कहिएगा 100% आएगा सर क्योंकि 9 अगस्त तक जाना, तो ये जो आएगा किसके कारण आ रहा होगा 2024 के फरवरी 29 के कारण, तो कितना हो गया 4 1 5 टोटल बात कीजिएगा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 7 से ज्यादा है डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना हो गया, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, चूंकि आप देख रहे हैं कैलेंडर को सीधा कर दिए हैं, तो 20 से 24 आगे बढ़ रहे हैं मतलब वाट से आगे बढ़ेंगे मतलब ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कैलेंडर को हम लोग सीधा कर लिए, तो वाट में कितना जोड़ दें और डेज जोड़ें, और डेज कितना रहा था 2, वाट में 2 जोड़ने पे क्या बन जा रहा है, तो सब फ्राइडे बन जा रहा है, तो वाट आपसे पूछा था क्या होगा, तो वाट इक्वल टू हो जाएगा फ्राइडे माइनस 2, तो फ्राइडे से 2 दिन पीछे जाइए तो फ्राइडे बात कीजिएगा, तो फ्राइडे 5वां दिन होता है, तो 5 में से 2 जाएगा, तीसरा दिन जो हो जाएगा सर वो वेडनेसडे हो जाएगा।
या फ्राइडे से एक दिन पीछे गए थर्सडे, फिर एक दिन पीछे गए वेडनेसडे, फ्राइडे से दो दिन पीछे जाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका वेडनेसडे आ जाएगा। ये रेफरेंस कैलेंडर ऐसा कैलेंडर है जिसमें आपको क्या है कि आगे वाला वर्ष का आपका दिया हुआ है, पीछे वाला का पूछेगा। तो जब कभी भी आगे का दे के पीछे का पूछेगा तो आप कैलेंडर को सही कर लीजिए, फिर इसको जैसे बनाते हैं वहां वैसे बना लीजिए, वहां से वाट का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि 9 अगस्त 2024 को यदि फ्राइडे है तो बताएं 15 मार्च 2018 को क्या होगा। तो देखिए आगे का देके पीछे का पूछ रहा है, मतलब कैलेंडर में पीछे जाने को बोल रहा है, तो कैलेंडर को पहले सीधा कर लीजिए। सीधा का मतलब छोटा वाला वर्ष पहले लिख लीजिए, बड़ा वाला वर्ष बाद में। 15 मार्च 2018 इस दिन क्या था वाट, यही तो पूछ रहा था, और 9 अगस्त 2024 इस दिन क्या था तो फ्राइडे था। अब चूंकि 18 से 24 आगे बढ़ रहे हैं मतलब प्लस होगा, और डेज क्या होगा प्लस होकर आएगा। अब बात कीजिए तो सर अगस्त से मार्च पीछे जाने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए तो सर मार्च से अगस्त बढ़ेंगे। तो हम लोग हमेशा छोटा ईयर से बड़ा ईयर की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए मंथ में। तो सर 15 मार्च को क्या 9 अगस्त बना सकते हैं, सर मार्च के बाद तो अगस्त आएगा ही आएगा। तो मार्च का कितना महीना होता है तो 31 का होता है, उसमें से कितना ले लिया तो 15 ले लिया, तो बचा कितना तो कहिएगा 16। मार्च के बाद अप्रैल क्या है, अप्रैल पूरे पूरे बीतेगा सर 30। अप्रैल के बाद मई भी पूरे पूरे बीतेगा तो आपका 31। मई के बाद आपका जून जो है पूरे पूरे बीतेगा तो मतलब 30। जुलाई जो होगा पूरे पूरे बीतेगा 31। अगस्त पूरे पूरे नहीं बीतेगा क्योंकि 9 अगस्त तक ले आपको बनाना था। अब क्या कर लीजिए और डेज निकाल लीजिए, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 16 में 7 से डिवाइड किए तो बचा कितना 2। 30 में डिवाइड किए 7 से कितना बचा 2। 31 में किए तो 3। 30 में किए तो 2। 31 में किए तो 3। 9 में किए तो बचा कितना 2। तो 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14। 14 को तो ऐसे आ गया। ये अगस्त किसका है तो कहिएगा सर ये अगस्त तो सर 2018 का है, कितना 2018 का ही है। तो ये बन गया क्या 9 अगस्त 2018, क्योंकि 2018 का ही हम लोग निकाल रहे हैं, अब 15 मार्च से बढ़ रहे हैं तो 9 अगस्त 2018 ये ऑलरेडी दिया हुआ था नहीं हम लोग निकाले हैं। दिया हुआ क्या है आपको 9 अगस्त 2024। अब चूंकि डेट सेम हो गया ईयर से ईयर सॉल्व करना क्या होता है आसान होता है। 18 से 24 का है साल तो 6 साल हो जाएगा, इस 6 साल में ऑड डेज कितना हो जाएगा 6 सर प्लस लीप ईयर। तो 18 से 24 के बीच में लीप ईयर कौन कौन सा आएगा तो सर 2020 आएगा, तो 20 तो पूरे पूरे बीतेगा। 2024 तो सर 2024 भी पूरे पूरे बीतेगा, तो आपको कहिएगा सर पूरे पूरे बीते ना बीते हमको तो फरवरी 29 से लेना देना है, तो कहिएगा हाँ उसी से लेना देना है। तो चलिए 2024 का फरवरी 29 क्रॉस करके जाएगा तो कहिएगा जाएगा ही सर। एक तो सर 2020 वाला जाएगा पूरे पूरे आएगा जिसमें फरवरी 29 आएगा, प्लस एक 2024 को 9 अगस्त तक ले जब लिख रहे हैं तो उसमें तो फरवरी 29 क्रॉस करके ही जा रहे हैं, ये 2024 का भी है फरवरी 29। तो कितना हो गया तो सर कहिएगा सर 6 2 8 हो गया। टोटल आप काउंट कर लीजिए तो 14 प्लस 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22। 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि और डेज 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष आपको 1 बचेगा। क्या लिखेंगे सर, तो यहाँ कैलेंडर चूंकि सही कर लिए थे तो वाट प्लस ऑड डेज इजक्वल टू फ्राइडे, तो वाट प्लस ऑड डेज 1 हो गया, ऑड डेज इजक्वल टू फ्राइडे। आपको तो वाट का मान पूछ रहा था, वाट इजक्वल टू हो जाएगा फ्राइडे माइनस 1। फ्राइडे से एक दिन पीछे जाइएगा आपका दिन कौन सा हो जाएगा तो थर्सडे हो जाएगा। क्या सर हमेशा इतना आसान देगा नहीं, क्या होगा कि कितने बार जब होगा आपको कि ईयर जो होगा आपको यहां देख रहे होंगे कि 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष रहता है तो हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर 100 वर्ष 200 वर्ष रहेगा तो उसमें आपको लीप ईयर निकालिए,
आपको झंझट पैदा होगा ज्यादा। वैसे केस में हम क्या करेंगे, आप देखिए क्या कर सकते हैं उस टेक्निक को। पहले एक क्वेश्चन लिख रहे, क्वेश्चन समझने के पहले जितने भी हम लोग पीछे पढ़े थे उसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते थे। जैसे क्वेश्चन हम एक लिखे कि 9 अगस्त 2024 को थर्सडे है, क्या है थर्सडे है, तो बताइए 12 फरवरी 2026 को क्या होगा। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, दूसरा बनाने का तरीका क्या है कि सर हम इसका एग्जैक्ट डेट निकाल लेते हैं, उस डेट को कौन सा दिन था, तो 9 फरवरी 2024 को निकाल ले सकते हैं कि एग्जैक्ट आता क्या है। मान लीजिए निकाले और निकालने के बाद वो एग्जैक्ट दिन आ गया आपको फ्राइडे, क्या आ गया आपको फ्राइडे आ गया, तो बताइए दिया हुआ क्या था आपको। तो कह रहा है सर हम निकाले तो एग्जैक्ट आ रहा है फ्राइडे, दिया हुआ है क्या थर्सडे, तो फ्राइडे से थर्सडे बनाने के लिए तो जब ओरिजिनल से निकालिएगा आपका मान लीजिए आ गया फ्राइडे, और बनाना क्या है फ्राइडे तो लाना नहीं था उस दिन, क्या दे रहा था थर्सडे, तो फ्राइडे से थर्सडे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा थर्सडे बन जाएगा। इसी प्रकार से सर तो जब 12 फरवरी 2026 का एग्जैक्ट डे निकाल लेते हैं और जो भी डे आएगा सर उससे कितना घटाना पड़ेगा, एक घटा लीजिए, वही आपका क्या आ जाएगा वाट का वैल्यू। तो क्या करते हैं इस मेथड में, क्या करते हैं कि हम लोग एग्जैक्ट डे निकाल लेते हैं और उस डे को देखते हैं कि जो दिया हुआ डे है उससे कितना ज्यादा या कितना कम है। तो देखें कि सर दिया हुआ था सर थर्सडे और आ रहा था मेरा फ्राइडे, तो फ्राइडे को थर्सडे बना दी, चूंकि एग्जैक्ट आ रहा फ्राइडे दिया हुआ क्या थर्सडे, फ्राइडे से थर्सडे बनाने के लिए एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, तो सर इसका भी जो एग्जैक्ट निकाल लेंगे उससे कितना दिन पीछे चल जाएंगे, एक दिन, वही मेरा क्या हो जाएगा वाट का वैल्यू हो जाएगा, क्या का वैल्यू हो जाएगा वाट का। तो इसको पहले हम दोनों मेथड से बना लेते, पहले इस मेथड से बना लेते हैं। तो जैसे हम लोग पहले निकाल लेते हैं 9 अगस्त 2024 का, कोडिंग मेथड से निकाल लेते हैं। कोडिंग मेथड में क्या बोले हैं, पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ कोड, तो आपको याद करवाए थे मंथ कैसे लिखा जाता है, 144 जनरल ईयर में लिखवाते थे 144, फिर उसके बाद 025 036 और फिर 12 के स्क्वायर से 2 ज़्यादा 146, यही लिखते थे। लीप ईयर रहता था तो जनवरी और फरवरी एक कम हो जाता था, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अगस्त का बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 6 2 8, यहाँ अगस्त यही है। तो सर अगस्त आपका लीप ईयर में कितना है, तो लीप ईयर जनरल ईयर दोनों में तो सेम ही होता है 3, तो अगस्त का कोड लिख लिए 3 प्लस में 2024 है तो तोड़ लीजिए सेंचुरी प्लस ईयर में, तो 2000 प्लस क्या लिखना पड़ेगा 24, तो वर्ष कितना आ रहा है 24। और 2000 के लिए बताए थे कि 400 से भाग लगता है तो 6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 6, जब 400 से डिवाइड होता है सेंचुरी ईयर तो बताते थे कि 6, जब 100 बचता था तब 4 दो दो कम होते जाएगा, जब 200 बचेगा 400 से डिवाइड करने के बाद तो तब आपका लिखेंगे 2, जब 300 बचेगा मतलब तब लिखेंगे 0 प्लस में लीप ईयर, तो 24 में कितना लीप ईयर होगा, तो सर 24 में सर लीप ईयर होगा 4 से भाग देंगे तो 6 बार में लगेगा, 6 को लीप ईयर लिख लिए डिवाइडेड बाई 9, चाहे तो आप 7 से भाग दे लीजिए, 9 में 7 से भाग दिए तो 2 बचा, 3 में लगेगा नहीं 3 का 3, 24 में तो 27 3 बचा, 6 6 डिवाइडेड बाई 7, 3 2 5 5 3 8 8 6 14 14 6 20, 20 बटा 7 रिमाइंडर कितना आया, कहिएगा सर रिमाइंडर आ रहा आपका 6, रिमाइंडर 6 का मतलब बताए थे कि दिन आपका अगर रिमाइंडर 6 आएगा तो कोडिंग से क्या होता है एक कम करना पड़ता है, कोडिंग में क्या करना पड़ता है एक कम, अगर छठा दिन अगर आपका सैटरडे है एक कम मतलब क्या आ जाएगा आपका, तो रिमाइंडर 6 का मतलब 6 का मतलब हो जाता है एक कम, ओरिजिनल में जो लिखते हैं 6 6 का मतलब छठा दिन सैटरडे, सैटरडे से एक कम, क्योंकि संडे से स्टार्ट होता है कोडिंग में, तो पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन आपका ट्यूजडे,
चौथा दिन आपका हो गया आपको वेडनेसडे, पांचवा दिन हो गया आपको थर्सडे, छठा दिन हो गया आपका, तो छठा दिन हो गया आपको फ्राइडे। तो रिमाइंडर सिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? फ्राइडे। फ्राइडे आया, दिया क्या था? तो सर दिया हुआ था सर थर्सडे। तो फ्राइडे को थर्सडे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक दिन पीछे, तो क्या बन जाएगा? थर्सडे। अब क्या कर लेंगे, 12 फरवरी 2026 का एग्जैक्ट डेट के अनुसार हम लोग डे निकाल लेंगे और क्या कर लेंगे, एक कम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सर फ्राइडे से ओरिजिनल में एक कम करते थे तब थर्सडे आता था, एक कम कर लेंगे सर। क्या दे रहा था 12 फरवरी 2026? तो बात कीजिएगा, तो डेट पहले लिखा था तो 12 लिख लिए, फरवरी लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर, तो जनरल ईयर में कितना होता है? 3 कि 4? तो कहिएगा सर जनरल ईयर में आपका 4 होता। प्लस में ईयर 2000 प्लस 26, मतलब 26 ईयर हो गया। प्लस में सेंचुरी के, तो 400 से भाग लगता है, 2000 में 0 वर्ष बच रहा, मतलब 6 हो जाएगा। प्लस में लीप, तो 26 में 4 से भागा दिए, तो 6 बार में लगा तो 6 लिख दिए, डिवाइडेड बाई 7। 12 में 7 से भाग दीजिए तो बचेगा 5, 4 में तो लगेगा नहीं, 4 को 4 लिख लिए। 26 में लगाएं तो 7 21, 5 बच गया। 6 में लगेगा नहीं, 6 में लगेगा नहीं, डिवाइडेड बाई 7। 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 बटा 7, तो 27 21। तो रिमाइंडर कितना बचा? 5। कितना बच रहा है? रिमाइंडर 5। रिमाइंडर 5 का मतलब क्या होता है? तो सर हम अगर बात कीजिएगा, पांचवा दिन फ्राइडे होता है, उससे एक कम, क्योंकि कोडिंग में क्या करते हैं? एक कम। तो रिमाइंडर 5 का मतलब क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 5 का मतलब हो जाएगा आपको सर थर्सडे। क्या आपको थर्सडे निकाल लेंगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर ये तो ओरिजिनल वाला है, क्या ओरिजिनल है, और ओरिजिनल ही दे रहा था, ओरिजिनल से क्या बना रहा था, तो देख लेते कि सर ओरिजिनल जो अगर फ्राइडे आ रहा था तो फ्राइडे से एक कम कर रहा था, तभी तो थर्सडे बन रहा था। ओरिजिनल से एक कम कर लीजिए, तो थर्सडे से एक कम कर लीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका? वो दिन वेडनेसडे बन जाएगा। आप इस मेथड से भी बना सकते हैं आप, लेकिन इस मेथड को तब अप्लाई कीजिए जब वर्ष आपका बहुत ज़्यादा हो, 100 वर्ष, 2 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष दिया रहे, तब आप बनाइए। अब इसको हम लोग पहले वाले मेथड के अनुसार भी बना लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले वाला के अनुसार बना लेते हैं। तो सर अगस्त से फरवरी बना लेते हैं इसको, तो 12 फरवरी बना लीजिए। अगस्त 31 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22। फिर आपका सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब खत्म हो गया 2024 का, अब 2025 से स्टार्ट हो गया, जनवरी 31, अब फरवरी 12 तक रहना है। ये कौन सा फरवरी आ रहा है? तो सर 31 दिसंबर को 2024 को खत्म हो गया, तो 12 फरवरी जो आ रहा है ये सर 2025 वाला आ रहा है। अब और डेज बात कर लीजिए, तो 22 में 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, फिर 31 में 3, 12 में 7 से भाग दिया तो बचा कितना? 5। जोड़ लीजिए तो 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 3 14 14 5 19। अब ईयर का बात कर लीजिए, तो 12 फरवरी 2025 से 12 फरवरी 2026 एक ही साल हो रहा है, और इसमें कोई लीप ईयर आ भी नहीं रहा है। ऑड डेज कितना हो जाएगा? तो ऑड डेज आपका 1 हो जाएगा। ऑड डेज कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो चलिए 19 प्लस 1 20 हो रहा है, 7 से ज्यादा है, 12 डिवाइड किए बचा कितना? 6। क्योंकि कैलेंडर में 24 से 26 आगे बढ़ रहे हैं, तो थर्सडे में 6 जोड़ लीजिए, तो थर्सडे से 6 दिन आगे या एक दिन पीछे, बात एक ही होगा क्योंकि जोड़ने पे 7 बन रहा है, तो 6 दिन आगे भी बढ़िएगा तब भी वेडनेसडे, या एक दिन पीछे जाइएगा तब भी वेडनेसडे। तो देख रहे होंगे कि पीछे वाले मेथड और इस वाले मेथड से दोनों से सेम आया, थर्ड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस वाले मेथड को कब यूज कीजिएगा? जब आपका
ईयर जो कम हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल गैप रहे। जब ईयर बहुत ज़्यादा रहे, 200 साल, 300 साल, 400 साल रहे, तब आपका बेटर होगा कि ओरिजिनल डेट निकाल लीजिए और देखिए ओरिजिनल डेट से कितना डेविएट कर रहा है, उसी के अनुसार दूसरे वाला को ओरिजिनल निकाल लीजिए, उसी ही से डेविएट करवा दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको, नौ अगस्त 2024 को वेडनेसडे है, सोलह जुलाई 1880 को क्या होगा? अभी हमने निकाला था इसके बारे में, सेम ही डाटा लिखे थे। नहीं है तो फिर से निकाल लीजिए, एग्जैक्ट कितना बन रहा है 9 अगस्त 2024 को। पहले क्या लिखते हैं, डेट 9 लिख लिए। ईयर कोड अगस्त का क्या होता है, 2024 में लीप ईयर में क्या होता है, सेम ही होता है सर, खाली जनवरी फरवरी में अंतर होता है, तो 3 होता है। प्लस में ईयर तो 2000 प्लस 24 24 ईयर है। प्लस में सेंचुरी कोड तो 2000 का सेंचुरी कोड 400 से डिवाइड होता है तो 6 आता है। प्लस में लीप ईयर तो 2024 को जब लिख रहे थे तो 2000 प्लस 24 24 में क्या को लीप ईयर होता है, 4 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए 7 से, 9 में करिएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 24 में कीजिएगा आपको 3 बचेगा, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 7, 3 2 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 बटा 7 मतलब रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 6 जब कोडिंग से बनाते हैं तो छठा दिन सैटरडे होगा उससे एक कम, रिमाइंडर 6 का मतलब छठा दिन हो गया अगर सैटरडे उससे एक कम, मतलब हो जाएगा आपका फ्राइडे। लेकिन फ्राइडे नहीं लाना था, क्या लाना था, वेडनेसडे। तो फ्राइडे से वेडनेसडे कितना दिन पीछे जाना पड़ेगा, तो सब फ्राइडे से आपको जाना पड़ेगा 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा, तो वेडनेसडे आएगा। इसका मतलब सर जो 16 जुलाई का निकालिएगा उसके एग्जैक्ट वाले में भी 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं 16 जुलाई 1880 का, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, 1880 को तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, 1800 प्लस 80, और इसको 400 से भाग दीजिएगा तो 200 वर्ष बचता है, 200 वर्ष का क्या होता है सेंचुरी कोड, तो 6 होता है जब नहीं बचता है, 100 बचता है तब 4, 200 बचता है तब 2, इसका हो जाएगा सेंचुरी कोड 2। जुलाई का क्या होता है, तो जुलाई सर आपका होता है 7वां महीना में, तो 0 होता है, लिखवाए थे तो डेट प्लस जुलाई का 0 होता है कोड, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में जो तो क्लास नंबर 7 है। प्लस में ईयर 80 हो गया, प्लस में सेंचुरी कोड 2 हो गया, प्लस में लीप ईयर 80 में 4 से भाग दीजिएगा तो 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7, तो 16 में 7 से भाग दिए तो 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 80 में भाग दीजिएगा तो 1177, 3 बच जाएगा 80 में, 2 में तो लगेगा नहीं तो 2 का 2 बच जाएगा, 20 में लगेगा 7 7 2 9 14, 6 बचेगा, डिवाइडेड बाई 7, 3 2 5, 5 2 7, 7 6 तो कहिएगा सर 13, 13 बटा 7 रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। छठा दिन का मतलब क्या होता है, तो सर कोडिंग कौन सा बनाते, तो छठा दिन आपका होना चाहिए सर सैटरडे, लेकिन कोडिंग कौन सा बना रहे हैं तो रिमाइंडर 6 का मतलब हो जाता है डेट आपका फ्राइडे। और क्या देख रहे थे, तो सर ओरिजिनल से कितना कम करना पड़ता है, तो 2 दिन ओरिजिनल से 2 दिन कम कर लिए, क्या आ जाएगा उस दिन, वेडनेसडे, वाट का मान क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 14 अगस्त 2020 को थर्सडे है, आपको बताना है 21 जनवरी 1560। देख रहे होंगे कि सर ईयर का गैप जो देख रहे हैं 1560 से 2020 तक बहुत ज्यादा है, तो सर इसमें दिक्कत होगा सर लीप ईयर चेक करने में, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बनाएंगे, ओरिजिनल डेट के अनुसार ओरिजिनल हम लोग डे निकाल लेंगे और उसे के देखेंगे कि कितना डेविएशन आ रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि इस दिन 14 अगस्त 2020 को ओरिजिनल में थर्सडे है कि नहीं, अगर रहेगा तो सेम 21 जनवरी 1560 का ओरिजिनल डेट ही रह जाएगा। तो पहले निकाल लेते 14 अगस्त 2020 को ओरिजिनल में कौन सा है, तो कहिएगा सर पहले डेट लिख लिए
मंथ, मंथ कोड होता है 3। 2020 का मतलब होता है 2000 प्लस 20, ईयर हो गया आपका 20। 400 से भाग 2000 में पड़ेगा तो 6 हो जाएगा, लीप ईयर तो 20 में 4 से भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7, 14 में भाग दीजिएगा 7 से तो 0 बचेगा, 3 में लगेगा नहीं तो 3 लिख लिए, 20 में दीजिएगा तो 7 दुना का 14 6 बचेगा, 6 में लगेगा ही नहीं तो 6 का 6 लिख लिए, 5 में लगेगा नहीं तो 5 का 5 लिख लिए, डिवाइडेड बाई क्या लिख लिए 7, 6 3 9 9 4 15 15 5, कहिएगा सर 20 हो रहा है, तो 20 बटा 7, तो 20 बटा 7 का मतलब कितना हो गया रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 6 का मतलब अगर कोडिंग कौन सा बना रहे थे पीछे जाइए एक दिन, तो छठा दिन अगर सैटरडे होता है तो उसे एक एक दिन पीछे जाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका फ्राइडे हो जाएगा, डे कौन सा आ जाएगा फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे नहीं दे रहा है कौन सा डे दे रहा है थर्सडे, तो फ्राइडे को थर्सडे बनाने के लिए कितना दिन पीछे जाना पड़ेगा एक दिन, इसका मतलब ओरिजिनल डेट से कितना पीछे जाना पड़ेगा एक दिन, इसका मतलब 21 जनवरी 1560 का जो ओरिजिनल डेट आएगा उसे एक दिन पीछे जाइए, बना लेते हैं 21 जनवरी 1560 तोड़ लीजिए तो 1500 प्लस 60 सर 400 से भाग दीजिएगा तो 300 वर्ष आएगा, 300 वर्ष के लिए कोड क्या लिखते हैं 0, डेट 21 जनवरी 1560 एक लीप ईयर है तो जनवरी आपको 1 नहीं होगा एक कम 0 हो जाएगा, ईयर 60 प्लस में सेंचुरी ईयर 0 प्लस में लीप ईयर 60 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 60, 21 में भाग दीजिएगा तो 0 0 60 में 7 8 56 4 फिर 0 15 में भाग दिए तो 1, तो 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, 5 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 5, कोडिंग से बना रहे हैं मतलब एक दिन पीछे जाएगा, पांचवा दिन फ्राइडे होता है मतलब उस दिन बन जाएगा थर्सडे, तो ये ओरिजिनल डेट के अनुसार क्या आ जाएगा आपका थर्सडे आ जाएगा, लेकिन उससे क्या करना है एक दिन कम, तो थर्सडे से एक दिन कम कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका वेडनेसडे, तो वाट का वैल्यू क्या आ जाएगा वेडनेसडे। तो आज के क्लास के लिए काफ़ी था, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दे, थैंक यू।